नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए जो जानकारी लेके आया हूँ मैं, दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे हमारा देश हार्ट अटैक के मामले में प्रमुख देशों में से गिना जाने लगा है। उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है और उससे हम कैसे बच सकते हैं, ये पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों अभी तक आपसे विनती है, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि रोज़ रोज़ ऐसी जानकारी आपको मिलते रहे। दोस्तों दिल का दौरा यानी बहुत बड़ी समस्या, ये समस्या सिर्फ आपके नहीं पूरे परिवार की समस्या बन जाती है। दोस्तों क्या होता है, हृदय तक जाने वाला ऑक्सीजन युक्त खून का प्रवाह रुक जाता है। ये वसा, कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थों के कारण होता है। इस कारण से हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि आप जो जानते होंगे कि हमारे हार्ट को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन जब उसके रास्ते में कोलेस्ट्रॉल, वसा या अन्य चीज़ें आती है तो हृदय तक खून पहुंचने वाली जो धमनियां हैं वो उन्हें नहीं पहुंचा पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लेकू या चिपचिपा जमाव रहता है जिसमें अवरुद्ध जो रक्त प्रवाह रहता है वो सही तरीके से नहीं पहुँच पाता। इस कारण से जो है हार्ट अटैक की समस्या बन जाती है। भारत में हर 33 सेकेंड में एक व्यक्ति दिल के कारण या दिल के दौरे के कारण मर रहा है। भारत में एक साल में दिल के दौरे के कारण लगभग 20 लाख मामले सामने आते हैं। दोस्तों इस क्या होता है, किसी समस्या और क्या हमें खाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि दिल के दौरे के लक्षण क्या होते हैं। दिल के दौरे के लक्षण छाती या बाहों पर दबाव, जकड़न या दर्द महसूस होना जो आपके गले, जबड़े, पीठ तक फैल सकता है, अपच, सीने में जलन, पेट में दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई होना, भय, चिंता, बीमारी के कारण पसीना आना, थकान या चक्कर आना। दिल के दौरे के लक्षण सभी लोगों के लिए सामान्य नहीं होते हैं। सीने में दर्द हमेशा तीव्र होता है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत कम दर्द भी महसूस हो सकता है और किसी को पेट की समस्या होती है। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं, मधुमेह पीड़ितों को सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। दोस्तों हम समझते हैं दिल के दौरे के कारण। जब आपकी एक या एक से अधिक कोरोनरी धमनी वो होती है जिससे आपका ब्लड फ्लो होता है, वो अवरुद्ध हो जाए तो दिल का दौरा पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल और कई अन्य पदार्थ संचय के कारण हमारी धमनियाँ संकुचित हो जाती है यानी चिपक जाती है। दिल के दौरे का मेन कारण यही होता है। दोस्तों इसके अलावा दिल के दौरे में पड़ने का एक और एक कारण है कोरोनरी धमनी के ऐंठन, जिसके कारण हृदय के मांसपेशियों तक जाने वाला रक्त प्रवाह में नहीं पहुंच पाता, अवरुद्ध हो जाता है। तंबाकू या गैरकानूनी नशीले पदार्थ जैसे कोकेन, जानलेवा ऐंठन पदार्थ पैदा हो सकते हैं। दिल की धमनी के फटने से कहीं ना कहीं हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें समझना होगा दिल के दौरों के बचाव, फिर मैं आपको बताऊंगा दिल के दौरे से बचने वाले खान पान के बारे में। दोस्तों अभी हम जानते हैं दिल के दौरे को खतरा कम करने के लिए कर सकते हैं। दिल के दौरों का पड़ने पर खतरा कम करने के लिए सबसे हम क्षतिग्रस्त दिल के कार्य को बेहतर करने के लिए डॉक्टर द्वारा सलाहित दवाई का उपयोग कर सकते हैं और चिकित्सक का सलाह ले सकते हैं। स्वस्थ आहार के साथ साथ स्वस्थ वजन बढ़ाइए, आपका हाइट और वेट इक्वल होना चाहिए, धूम्रपान ना करें, रोज़ व्यायाम करें, ज़्यादा तनाव ना लें, हाई बीपी, रक्त में कोलेस्ट्रॉल या उच्च स्तर या मधुमेह जैसी समस्याओं का नियंत्रण करें। यदि आपको मधुमेह हो तो इसके लिए सलाहित दवाई का उपयोग करें, अपने रक्त के शुगर स्तर को जाँच करते रहें। यदि आपके कोई हृदय रोग हो तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। दोस्तों एक दिल का दौरे का प्रशिक्षण भी होता है या डायग्नोसिस ऑफ हार्ट बोलते हैं, जिसको नियमित शारीरिक जांच करने के लिए आपके डॉक्टर ऐसे जोखिम वाले कारकों की जांच करें जिनके कारण आपको दिल का दौरा पड़ सकता है। दोस्तों जिसको ECG बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, जो दिल का दौरा का निदान करने के सबसे पहले ECG का किया जाता है। यह टेस्ट दिल के इलेक्ट्रॉनिक गतिविधि द्वारा जाँच करता है। क्षतिग्रस्त दिल की अगर विद्युतीय इलेक्ट्रॉनिक गतिविधि सामान्य नहीं होती तो ECG से पता चल जाता है, या फिर रक्त के चार्ज जब दिल के दौरा पड़ना पड़ता है तो कहीं एल्जाइम रक्त में फैल जाता है, जो जानने के लिए काफ़ी होते हैं कि आपको दिल का दौरा पड़ा है। फिर दिल के दौरे का इलाज किया जाता है, ये सब चीज़ें आपको की जाती है, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि दिल का दौरा पड़ता क्यों है दोस्तों और किस उम्र में होता है ज़्यादा। देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा उम्र 45 से ज़्यादा उम्र वाले पुरुषों में और 55 से ज़्यादा महिलाओं में दिल का दौरा आसानी से पड़ सकता है। दोस्तों कारण धूम्रपान, जो हमारे आसपास का माहौल, हमारा खान पान, ये सब चीज़ें बहुत फर्क पड़ता है। शारीरिक व्यायाम में कमी, मोटापा और तनाव, नशीले पदार्थ का सेवन,
हमें क्या करना होगा, हमें कुछ ऐसे चीज़ों का प्रयोग करना होगा जिससे हमें दिल का दौरा ना पड़े। दोस्तों, सबसे पहला काम मैं आपको कुछ फूड्स बताना जा रहा हूँ, वो आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हमें करना क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ कि नशीले पदार्थों से दूर रहना है। सबसे दूसरा काम, हमें हमारे पेट को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे पेट में जब एसिडिटी बनती है वो भी एक मुख्य कारण हो जाता है हमारा दिल के दौरे पड़ने का। दोस्तों हमें करना क्या है, दोस्तों हमें ओमेगा 3 या सैल्मन, जो नॉनवेज खाते हैं या नॉनवेज नहीं खाते, जो नॉनवेज खाते हैं उसके लिए सैल्मन या मछली ले सकते हैं, या जो नॉनवेज नहीं खाते ओमेगा 3 ले सकते हैं, जो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा दिल के दौरे को दूर करने के सबसे बेहतर और रामबाण उपाय है। इसके अलावा आप जो ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं ऑरेंज का। ऑरेंज जूस बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है हमारे ब्लड के लिए, हमारे हार्ट के लिए, ये बेहतर अच्छा सा काम करता है। दोस्तों इसके अलावा आप ब्लैक टी पी सकते हैं, ब्लैक टी में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे रक्त की धमनियों को अच्छे से प्रभाव काम करने के लिए मजबूर करते रहते हैं। दोस्तों दिन में 2 कप आप ब्लैक टी पी सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा आप बादाम, काजू या नट्स, जो भी नट्स रहते हैं वो खा सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत प्रोटीन होता है, वो आपको अपने हेल्थ को बचाने या हेल्थ को अच्छा करने के लिए बहुत कारगर हो सकता है। इसके अलावा आप हल्दी खा सकते हैं, हल्दी ऐसा ना खाते हुए आप सब्ज़ी में, तो हम भारतीयों में तो हल्दी का प्रयोग बिना सब्जी नहीं होती। आप हल्दी का पानी भी पी सकते हैं, उसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप चाहे तो ब्लैक टी नहीं पी पा रहे तो आप ग्रीन टी का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन टी के अंदर भी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर के साथ साथ आपके दिल के मजबूत करने में बहुत फ़ायदेमंद करता है। दोस्तों इसके अलावा आप चीज़ ले सकते हैं, पनीर का जो चीज़ बनता है उस चीज़ के थ्रू भी आप अपने हार्ट को अच्छा मजबूत कर सकते हैं। अभी गर्मियों का समय है तो आप तरबूज का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि तरबूज के अंदर भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके हार्ट को मजबूत और स्वस्थ रखने में बहुत कामयाब होती है। दोस्तों इसके अलावा हम दालचीनी सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि दालचीनी का प्रयोग हम चाय में भी कर सकते हैं और खाने में भी डाल के कर सकते हैं। इन चीज़ों का प्रयोग आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। दोस्तों हार्ट अटैक से बचने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, मतलब यही चीज़ें जो आपको बचा सकते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक में अगर एक बार आ जाता है तो आपको बहुत ध्यान रखना होता है, लाखों रुपए खर्च होते हैं, प्लस गोलियां बहुत सारी ली जाती है जो आपको हमेशा चलती रही जब तक आप मरते नहीं। दोस्तों यही है कि अभी से बचा के रखें तो बहुत अपने हेल्थ के लिए हेल्थ कॉन्शियस रहिए। दोस्तों आपसे यही आशा है, फिर नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हेल्दी रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।